सब्सक्राइब करिए जीके मास्टर को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके मास्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जितने फेमस पर्सन हैं इंडिया के, उन सब के क्रिमेटोरियम यानी शमशान घाट के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चलिए देखते हैं उनके शमशान घाट का ट्रिक क्या है। दोस्तों, भगवान किस पे दया दिखाते हैं? मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि कुछ हिंट्स देता हूँ। शंकर दयाल शर्मा जी के मिडिल नेम आपको ध्यान से देख लीजिए, दया। इसी दया पे मैं ट्रिक बनाऊंगा। दोस्तों, भगवान किस पे दया दिखाते हैं? जो कर्म करता है भगवान उन पे दया करते हैं, ठीक है? जो कर्म करता है भगवान उन पे दया दिखाता है, तो इंसान को कर्म करना चाहिए। जो कर्म करता है उनकी बात सुनने के लिए, मतलब जब प्रार्थना करती है जो कर्म करता है, उनको भगवान दया दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? दया दिखाते हैं जो कर्म करता है। तो भगवान जी ने दया दिखाया किसको? जो कर्म करता है। तो इसमें क्या ट्रिक निकला? शंकर दयाल शर्मा, दया, दया से ये ट्रिक निकला कि जो कर्म करता है उन्हें भगवान दया दिखाते हैं। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के शमशान घाट का नाम है कर्म भूमि। क्या है? कर्म भूमि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारा पहला राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तों, प्रसाद मतलब क्या है? जो कि भगवान जी के भोग है उसको प्रसाद बोलते हैं। तो ऐसे कौन से भगवान हैं जिनके प्रसाद को हम महाप्रसाद बोलते हैं? दोस्तों, वो हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के प्रसाद को बोलते हैं महाप्रसाद। तो दोस्तों, इसमें से ट्रिक क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी के जो टाइटल है प्रसाद, महाप्रसाद के लास्ट में है प्रसाद। तो हम इस महा को अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ऑप्शन मिल गया महा, तो इससे आंसर निकला कि महापरायण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो शमशान घाट है उसका नाम है महापरायण घाट। किससे निकला? महाप्रसाद से। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो आप सबको मालूम है, वो राष्ट्रपिता है। दोस्तों, राष्ट्रपिता का और एक नाम है जो कि कोई देश या राज्य का मुख्य हो, उसे मतलब जो राज करता है, किंग। तो किंग जो है वो देश में राज करता है। तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है उनका शमशान घाट का नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारा सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, इनके नाम में ही आंसर है। दोस्तों, लाल बहादुर वो बहादुर है। दोस्तों, बहादुर जो होते हैं वो विजय होते हैं, ये देख लीजिए, ये बहादुर है, बहादुर है, इसीलिए वो विजय हुआ। तो इससे क्या निकला? विजय घाट। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जो कि बहादुर थे, मतलब जो भी बहादुर होगा, जो भी बहादुर होगा वो विजय होगा। जो लाल बहादुर शास्त्री के शमशान घाट का नाम है विजय घाट। चौधरी चरण सिंह, दोस्तों चौधरी चरण सिंह, चरण को आप, ये जो मिडिल नेम है चरण को, इसको आप ध्यान से देखिए, इससे ही ट्रिक में निकालूंगा। देखिए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनका स्लोगन था जय जवान जय किसान। क्या था? जय जवान जय किसान। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान जो थे, क्यों बोला? क्योंकि उन्हीं के वजह से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
तो उनके चरण छूने को मन कर रहा है। इसका मतलब उनके चरण छूने को मन कर रहा है। तो उनमें से किसान भी एक है, किसान की चरण छूना भी जरूरी है क्योंकि किसान के वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो इससे क्या ट्रिक निकला, चरण से किसान के चरण छूना, चरण। तो चौधरी चरण सिंह के शमशान घाट का नाम क्या हुआ, किसान घाट। ओके ठीक है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह के शमशान घाट का नाम है किसान घाट। दोस्तों आई के गुजराल, इनके नाम से इसको आप देख लीजिए, गुजरा। दोस्तों जो गुजर जाते हैं उनको हम याद करते हैं। ओके जो गुजर जाते हैं उनको हम याद करते हैं, मतलब रिमेम्बरिंग करते हैं। तो वो क्या हुआ, हिंदी में स्मृति बोलते हैं, उनकी स्मृति को याद करते हैं। तो आई के गुजराल जो है उनका शमशान घाट जो है उनका नाम है स्मृति स्थल। ठीक है दोस्तों, स्मृति स्थल, क्योंकि उनके स्मृति में हम याद करते हैं आई के गुजराल। गुजराल से, गुजर से हमको ट्रिक मिल गया, स्मृति स्थल। चलिए आगे दोस्तों, इंदिरा गांधी जो कि एक महिला है, आप सबको पता होगा इंदिरा गांधी इज आवर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, जो कि पहले महिला थी जो कि हमारा प्रधानमंत्री बने थे। तो उनका नारा था नारी शक्ति, क्या था, नारी शक्ति। पूरे दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दिया जा रहा है, मतलब महिला सशक्तिकरण। तो इसमें से ट्रिक क्या निकला कि हमारा पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, तो उनका जो स्लोगन था नारी शक्ति, उससे ये ट्रिक निकला कि इंदिरा गांधी जी के शमशान घाट का नाम है शक्ति स्थल। महिला के टैग था नारी शक्ति, यानी उनके शमशान घाट का नाम है शक्ति स्थल। ओके चलिए दोस्तों, जियानी जैल सिंह, जियानी जैल सिंह के इस मिडिल नेम को आप देख लीजिए, इससे मैं ट्रिक बनाऊंगा, जैल सिंह। दोस्तों हमारे जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे उस समय एक आंदोलन हुआ था, जेल भरो आंदोलन। क्या था, जेल भरो आंदोलन। तो इससे क्या, ब्रिटिश लोग जो थे वो बहुत डर गए थे क्योंकि सारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो एकता दिखाई, एकता के कारण हमारा देश में ब्रिटिश लोग भाग गए। तो ये क्या हुआ, एकता के कारण जेल भरो आंदोलन जो वो सक्सेस हुआ। तो इस जेल से हमें क्या ट्रिक मिला, एकता, एकता के कारण जेल भरो आंदोलन जो था वो सक्सेस हुआ। क्या हुआ, एकता के कारण जेल भरो जो आंदोलन था वो सक्सेस हुआ। तो जियानी जेल सिंह जो थे उनका शमशान घाट का नाम था एकता स्थल। क्या था, एकता स्थल, क्योंकि एकता के कारण जेल भरो आंदोलन सक्सेस हुआ। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से आप इस हर को देख लीजिए, हर, हर से हमको याद आता है हर हर महादेव। क्या याद आता है, हर हर महादेव। दोस्तों हर हर महादेव जो होते हैं वो शांति प्रिय लोग थे, मतलब शांति में ध्यान करना। तो इसमें क्या ट्रिक निकला, जो हर हर महादेव है वो शांति से ध्यान करना पसंद करते हैं। जो हमारा जो जवाहरलाल नेहरू के शमशान घाट है उसका नाम है शांति वन। क्या है, शांति वन। हर हर महादेव जो है वो शांति को प्रिय है और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका शमशान घाट का नाम है शांति वन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, राजीव गांधी, राजीव गांधी जी से इस राज को ले लीजिए, इसमें से मैं ट्रिक लिखवा, राज को अच्छे से देख लीजिए, मैं इससे ट्रिक निकालूंगा। दोस्तों राज कौन करता है, वीर, मतलब जो वीर होते हैं वो राज करते हैं। वैसे भी ये भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, कम उम्र मतलब वो वीर थे इसीलिए कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गए। तो इससे क्या निकला, राजीव गांधी की शमशान घाट का नाम है वीरभूमि। क्या है, वीरभूमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीरभूमि, राजीव गांधी के शमशान घाट वीरभूमि। नेक्स्ट दोस्तों, के आर नारायण,
केयर नारायण से आप इस नारायण को देख लीजिए, क्योंकि इसी से मैं ट्रिक बनाऊंगा। दोस्तों नारायण, नारायण जो है भगवान, जो नारायण है उन्हीं के वजह से दिन रात हो रहा है, मतलब सृष्टि चल रहा है। सूरज की जो सूरज उदय होता है, अस्त होता है, तो उन्हीं की वजह से हमारा जो नारायण है उसी के वजह से सूरज उदय होता है। क्या होता है? उदय होता है। तो ये देख लीजिए, सूरज उदय हो गया। तो इससे ट्रिक क्या निकला? के आर नारायण जो है उनका शमशान घाट का नाम है उदय भूमि। क्या हुआ? उदय भूमि। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों जगजीवन राम, जगजीवन राम में आप राम जी को देख लीजिए, ये राम को मैं इससे ट्रिक लगा लूंगा। दोस्तों राम और श्याम दोनों एक ही हैं, राम और श्याम दोनों एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग है। तो आप इसे श्याम समझ लीजिए, क्या? श्याम को शाम समझ लिए। ओके, तो जगजीवन राम जो थे उनका शमशान घाट, इससे क्या निकला? समता स्थल। क्या निकला? समता स्थल। शाम से हमें याद आ गया कि जगजीवन राम के जो शमशान घाट है उनका नाम है समता स्थल। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताना चाहता हूं कि जो मोरारजी देसाई थे, क्या थे? मोरारजी देसाई, उनका शमशान घाट का नाम है अभय घाट। क्या है? अभय घाट। ओके, मोरारजी देसाई जो थे उनका शमशान घाट का नाम है अभय घाट। ठीक है दोस्तों, मैं जितना भी इम्पोर्टेंट शमशान घाट था महापुरुष के बारे में भारत में, तो उन सब का मैं डिस्कस किया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के जरिए। इनमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे, अगर इसको आप ग्राफिकली समझे हैं तो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। तो इससे आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, टेक केयर।